हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरती दास फैमिली ब्लॉग। दोस्तों भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में बहुत धूप हो रहा है, 43-44 डिग्री का धूप हो रहा है। घर में रह नहीं पा रहा हूँ तो बाहर आके बैठे हुआ हूँ। सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और इधर जो है ये तारिणी मंदिर है, और ऊपर मकर संक्रांति के वक्त ऊपर कुछ लकड़ी के ऊपर डाली सब डाला गया है, इसलिए थोड़ा छाव है इधर। दोस्तों इतना धूप में घर से मत निकलिए, अगर आपको इमरजेंसी काम है, अगर घर से निकलना पड़ रहा है तो साथ में एक गमछा ले लीजिए और पानी का बोतल जरूर लेना है आपको, ये सुरक्षा है। कहीं पर भी गिर जाइए, कोई भी गिर जाए तो उसको पानी चाहिए। दोस्तों देखिए हाल देख सकते हैं लोगों के, गरम बाबा, बड़ा गरम बाबा, पानी बहुत दरकार है। हाँ थोड़ा बाबा पानी चला जाएगा, थोड़ा पानी नहीं। मैं बाहर कर मुरा बैग जो है धूप में, इसलिए इसके ऊपर कुछ कपड़ा डाल दिया हूँ सब बैग में। घर का हाल देख सकते हैं क्या हाल है, यहाँ कीजिए बैठे। एक पंखा, ऊपर पंखा बंद है क्योंकि ऊपर पंखा से गर्मी आ रहा है ज़्यादा, और ये टेबल पंखा एक चल रहा है, वहाँ पर एक टेबल पंखा चल रहा है। और इसका हाल देख सकते हैं क्या हाल है, कैसे सो गया मैं चल रही क्या हुआ। मैंने बोला था दोस्तों इस साल कूलर लगा दो, कूलर लगा दो, कूलर लगा नहीं, कूलर नहीं दोस्तों, क्या था देख सकते हो का ये महावीर, क्या हुआ महावीर से क्या हुआ। हाँ थोड़ा रास्ते की तरफ आ गया हूँ, इधर जो है बहुत सारे पेड़ है देख सकते हैं। ये हमारा गली का रोड है, रोड में भी गाड़ी मोटर नहीं है, इतना धूप हो रहा है, गाड़ी मोटर भी बीच बीच में एक एक गाड़ी आ रहा है मगर गाड़ी भी नहीं है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, अभी से गाड़ी बंद हो गए सब, क्योंकि इतना धूप हो रहा है कि कोई घर से नहीं निकल रहा है। और इधर जो है 2 बुजुर्ग बैठे हैं, धूप के कारण ये लोग घर में रह नहीं पा रहे। और मौसा এটা কো মাস চালিছি, শ্রাবণ মাস, না বহুত এতে খরা হবার নাই না নাই ছোট বেলু নাই এমিতে খরা 30 বছর কথা বকু, হ্যাঁ 30-35 বছর খরা এমিতে খরা হইতলা। দোস্তো এ মশা যে বল রহা ওড়িয়া ভাষা বল রহা হে কি আবি তো आषाढ़ मास हो गए, तो अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, मगर इस साल जो है बहुत धूप हो रहा है। मौसम जो बोल रहा है, बचपन में देखा था कि आषाढ़ महीने भी ऐसा धूप हुआ, तो इस साल 2023 में मसिया हो गया, इस साल भी ऐसे धूप हो रहा है। आषाढ़ महीने में बारिश का मौसम में भी बहुत धूप हो रहा है, ये वर्ष बहुत गर्म पड़ूंगी, मतलब बहुत गर्मी है इस साल, घर में हम लोग रह नहीं पा रहे। हाँ बाहर घर में रह नहीं पा रहे। दोस्तों धूप अभी तक कम हुआ नहीं है, तो बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं काम से को भिगा कर, मैं भी काम से भिगा लिया, अभी तो भीगा है और फिर निचोड़ कर इसको सर में डाल रहा हूँ, ऐसे मौसा भी ऐसे डाल रहा है, मौसा भी अभी निचोड़ के लाया है गमछा को, तो बहुत धूप हो रहा है। बस ऐसे डालना है, तो हम लोग घूमने के लिए निकले, पहले बेटी के घर जा रहे हैं हम लोग, तो जाने के बाद मिठाई लेके जा रहे हैं, ये है फायर स्टेशन स्क्वायर।
वहाँ से थोड़ा बाहर घूमेंगे। हम लोग के लिए हम लोग का खाने के लिए बुलाया है, हम लोग जा रहा है जगह खाने के लिए। मैं आपके लिए यहाँ पर है सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर पे खाने के लिए। और मम्मी पापा आ गई है, हमको बुला रही है दीदी खाने के लिए। और यहाँ पे हम और यहाँ पे बड़े भैया और यहाँ से नंदन कानन का ये जो नंदन कानन है, नंदन कानन है ये जानो कि ना इंटन डायरेक्ट नंदन कानन जाए। बाबर नाले जी क्या भी अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुके हैं। चलो हम लोगों के लिए बैठे हैं, हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम जाएंगे तो तो ये वाला घर है दोस्तों, हम फिर से खाना खाने आ गए हैं। और ये है मेरे बड़े बेटी और इनके घर में खाना खाने आए हैं। आज खाने में क्या क्या है बहुत कुछ है, मेरे ही प्लेट दिखा देता हूँ। देखिए ये है चावल दाल, ये है झींगा, ये है मछली का अंडा, ये वाला परवल, चिकन, मछली और कुछ भी है शायद, और बाकी सब रह गया क्या कहाँ। और एक सब्जी भी है ये सब्जी। तो सबको एक साथ हम लोग खाना खाने बैठे, उधर दामाद बैठा है, प्रकाश है, प्रभास है, सबको ही है। तो सबके पास सेम सेम चीज़ है, सबको खाना खाने बैठ चुके हैं। ये इनका घर है, ये है काला जामुन और रसगुल्ला। सबका खाना खत्म हो चुका है लगभग, तो सब खा खा के उठ नहीं पा रहा है। देखिए प्लेट के पास ही बैठे हैं सब, कोई नहीं उठ पा रहा है, सबका यहीं पर है। और उसके बाद मिठाई चलेगा, खाना सबका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेरा अभी तक हुआ नहीं, मेरा अभी तक चल रहा है। अभी 6 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं अभी घर पे। ये अभी हम घर पे जा रहे हैं, घर पे जगह दोस्तों। फाइनली हम लोग घर में पहुंच गए, पंखा लगा, पूजा कर रहे हैं।
हम लोग आए वहाँ से घर, पाँच तो मत शाम हो गए, तो आकर पहले पूजा कर रहे। खाने वाले मोमोज सबका एक एक प्लेट यहाँ से यहाँ तक पूरे टेबल सजा दिया है, और यहाँ पे लाल चटनी, और खाने के बाद यहाँ पे थम्स अप है, और यहाँ पे बड़ी मी की बड़ी मी यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी मी, और यहाँ पे और यहाँ पे एक दीदी, और यहाँ पे प्रवेश हम लोग नाना सौरभ जैसे नो, ये तो नेपाली थे, मतलब मम्मी से अम्मी बन गए।